सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही टीम को एक और सूटकेस मिला, जबकि पुलिस ने खुलासा किया है कि शीना के मर्डर के बाद इंद्राणी ने राहुल को उसके फोन से 5 मैसेजेस भी किए थे। शीना मर्डर केस ने एक और मोड़ ले लिया है। पुलिस ने उस सूटकेस को भी जब्त कर लिया है जिसे कथित तौर पर उसके भाई मिखाइल के शव को पैक करने के लिए रखा गया था। मुख्य आरोपी संजीव खन्ना और चालक को रायगढ़ के जंगलों में ले जाया गया ताकि अपराध के दृश्य को रचा जा सके। इसके अलावा इस मामले में एक और खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी सुपारी किलर के जरिए बेटे मिखाइल बोरा की भी हत्या कराना चाहती थी। मीडिया की कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो सुपारी किलर इस वक्त मुंबई पुलिस के हिरासत में है। इंद्राणी ने बेटे मिखाइल को मारने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक उसने बेटे को मारने के लिए 2.5 लाख रुपए का सौदा किया था और ये रकम किलर को दी थी। इससे पहले मिखाइल को मारने की 3 बार कोशिश की गई थी लेकिन वो विफल रही। इंद्राणी ने बेटे को मारने की सुपारी 2014 में दी थी। शीना मर्डर केस मामले में जांच कर रही टीम ने खुलासा किया कि शीना की हत्या के बाद राहुल को शीना के फोन से 5 मैसेज किए गए। ये भी खुलासा हुआ कि ये मैसेज इंद्राणी ने राहुल को किए थे। पहले मैसेज में लिखा गया कि मैं भारत में नहीं हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, ये समय है जब हमें अलग हो जाना चाहिए, गुड बाय। दूसरे मैसेज में लिखा गया था कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैसेज में लिखा था कि इसके लिए हम दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, हमारा अलग होना ही एकमात्र रास्ता है। तीसरे मैसेज में लिखा गया था, मैंने आगे बढ़ने का फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बेहतर के काबिल हैं। चौथे मैसेज में राहुल को लिखा गया कि अमेरिका में मुझे मेरा नया प्यार मिल गया है, मैं उसके साथ खुश हूँ। इस तरह से इंद्राणी ने शीना के फोन से राहुल को पूरे 5 मैसेज किए थे। इस समय दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।